ये हमारे उत्तराखंड का नाम इतनी आसानी से ले लेती है, इसको क्या पता उत्तराखंड कहाँ पे है, सही बात इसको है। क्या पता उत्तराखंड कहाँ पे है। इसके साथ में बहुत सारे लोग आए हैं, कुछ उत्तराखंड में है, कुछ जम्मू जम्मू श्रीनगर में है, कुछ गुड़गांव में है, कुछ कहीं और सच में है। इसके साथ के लोग जितने जितनी जगह इसने अपने भाई लोग ये सब कुछ बना रखे हैं, तो इतनी जगह है, इतने लोग हैं, इसको हमारे उत्तराखंड के बारे में कैसे पता। किसी व्यक्ति ने सही बोला कि कुछ लोग इसके साथ के उत्तराखंड में भी है और डेफिनेटली उत्तराखंड में होंगे, क्योंकि उत्तराखंड में नहीं होंगे तो इस बात की गारंटी। क्योंकि इसको कैसे पता हमारा उत्तराखंड के बारे में, इसको क्या पता कि उत्तराखंड कहाँ पे है, इसको क्या पता कि उत्तराखंड में कौन से लोग रहते हैं। इसने एक वीडियो में अपने एक वीडियो में अभी काफी टाइम पहले की बात है उत्तराखंड का जिक्र भी किया है, इसको क्यों क्या पता है कि उत्तराखंड कहाँ पे है और उत्तराखंड में क्या होता है। तो इसके पहले जो रेकी करके गई है ना, उस टाइम पे ये हिंदुस्तान के बारे में चप्पा चप्पा के बारे में छान के गई है और हर चीज देख के गई है। और इसको ये जो मनाती है ना, ये जो भी चीज बर्थडे मनाना या कोई चीज सेलिब्रेट करना, ये हमेशा तब करती है जब हमारे यहाँ पे कोई नुकसान होता है। सही बात, हमेशा यहाँ पे कोई इंसिडेंट होता है हमको इसकी पार्टी मनाई जाती है। हमारे यहाँ पे योगी जी वहां से हारे हैं, देखिए कितना नाच नाचा इसने, आप देखिए इसकी हर जगह से, मतलब हमारे योगी जी वहां से हारे हैं, मोदी जी बहुत मुश्किल से इस बार हमारी वो सरकार बनी है, काफी सीटें नहीं मिली है सिर्फ और सिर्फ एपी सिंह की वजह से। एपी सिंह जी को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एपी सिंह जी ने इसको रोका नहीं। आपको पता ही है जैसे वहां पे तो श्रीफंड में जो वो केस, तीन मंजिला केस जो आया था, मुझे लग रहा है श्रीफंड में दिया होगा दुकान वाले ने, ये चली गई होगी, इसने बोला होगा मैं सीम नगर हो, उसने बोला होगा भैया एक मंजिल का नहीं, आप हमारी तरफ से तीन मंजिल का ले जाइए, खाइए पिए और उसके बाद जहां मर्जी खपेड़िए। लेकिन बेगरत औरत है, घर में मेहमान आ रहे हैं और इसको इतना भी झिझक नहीं है। अगर ये बोलती है कि सो कॉल मेरा ये पति है, कैसा ये है जो पति अपनी पत्नी को दूसरे आदमी पे हाथ लगाने देता है। सही बात है, इलीगल ही है पराधिक दुनिया की नजर में बोल तो रहा है ना कि मेरी पति, हाँ मैं मेरी पत्नी है, मेरा मैं पति हूँ, तो इतना बेगरत पति, मतलब वो औरत तो कोई भी ऐसा वो नहीं छोड़ती है कि जिसमें वो किसी पराये मर्द को हाथ ना लगाए। एक व्यक्ति था वहां पे, उस व्यक्ति को मैंने बोला ना कि यू करके उसके कपड़ों को वो करना, उससे वो छीते मारना, उसका ससुर खुद इतनी गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, कहता है अभी रुक जाओ तुम, मैं कहाँ कहाँ लगाता हूँ, मतलब मैं वो चीज नहीं बोलूंगी जो वो बोल रहा है, मैं सब चेंज करके बोल रही हूँ। मतलब आप नेत्रपाल की भाषा को सुनिएगा और आप देखिएगा कि नेत्रपाल क्या बोल रहे हैं। तो ये बेवकूफ औरत, इसको किसने बोला है कि भाई तुम्हें नहीं खाना है, अगर तो इतनी ही अपने आप को दयावान बताती है, इतनी ही तो अपने आप को बता रही कि मैं उसमें सनातनी में आ गई हूँ, तो भाई तूने केक काट लिया है ना, बस उसको ले जाके और एक ऐसी जगह पर प्रॉपर जगह पे ले जा जहाँ पे झुग्गी वाले बच्चे हैं, हम तो तुझे तम माने कि तू उन झुग्गी वाले बच्चों को बांट के लीजिए, हम मेरी तरफ से खाइए आप, तू इतने दिन हो गए हैं, तूने इतने दिन में तूने इतने त्योहार मना लिए यहाँ पे, इतने तूने सेलिब्रेट कर लिए त्योहार, एक भी दिन का तू हमें बता दे, एक भी दिन का ब्यौरा दे दे कि तूने किसी गरीब बच्चे को क्या दिया है। तो बेचारा औरत, बेचारा औरत एक दिन खिलौने वाली तुम्हारी घर पे आई थी, 500 से ज्यादा के खिलौने तो तेरे बच्चों ने ले लिए, ऊपर से तो उसको 500 का नोट दे रही है और तू कह रही है कि बाकी मेरी तरफ से रख ले। अरे क्या रख ले, तू तो उसके वैसे ही पैसे मार रही है, सही बात है, क्या रख लेगी वो बेचारे पैर से वो वैसी भी है, हैंडीकैप भी है वो वहां पे, तो अगर उसको 500-700 रुपए एक्स्ट्रा दे देगी तो तेरी कमाई में कम थोड़ी नहीं हो जाएगा। बट इनका जो त्योहार मनाने का तरीका है सर से जो सर मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल भी नहीं है अच्छा, इस तरह से तो हमने आज तक कभी देखा नहीं है। पहले पहले जब स्टार्टिंग में इसने आई थी, जब शुरू शुरू में एक आध बार केक काटा था तो बहुत अच्छी तरह काटा था, केक काटा है, खाया, जितना बचा इन्होंने फ्रिज में रख दिया, बट उसके बाद पता नहीं इसको कहां से बटे दरवाजा बंद कर देना, उसके बाद पता नहीं इसको कहां से ये धुन चढ़ी कि एक दूसरे को लिपा पोती, इतने बड़ी बड़ी केस लेके आ रहे हैं और एक दूसरे को लिपा पोती। उसके बाद हेलो पवन, तो उसके बाद आप ये देखिए कि एक ससुर बहू को कहता है कि अरे रुक जा मैं तेरे कहाँ कहाँ केक लगाऊंगा ऊपर नीचे, मतलब क्या है ये, तुम एक मतलब एक इनलीगल ससुर भी हो पर वो एक महिला है, आप एक पुरुष हो, आप एक महिला को बोल रहे हो, चाहे वो महिला कैसी भी तुम्हारे घर में घुसी हुई है, हमें पता है कि वो कैसी घुसी है,
लेकिन आपकी भाषा, आप कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसके साथ में, आप किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आप एक महिला के साथ में बात करने का तरीका नहीं है। पर होता ये ऐसा होता है सर, मैं अगर आपके साथ में गलत बोलूंगी तो शायद आपको लगेगा इसका व्यवहार ही ऐसे है, इसको ऐसी भाषा समझ में आती है, तो आपके सामने से ना वही भाषा बोलेंगे। तो इसकी भाषा, इसका रवैया, इसका बोलचाल यही है, तो सामने वाले बंदे को पता है इसको कौन सी भाषा समझ में आनी है और वो उसी भाषा का प्रयोग करते हैं इसके साथ में। और आज एक्सप्लेनेशन दे रही थी मैडम, आज एक्सप्लेनेशन दे रही थी क्योंकि कल माझी ने वीडियो बनाई, माझी ने वीडियो में बोला कि हमारे देश के हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो भाई लोग थे जो यात्रा पे जा रहे थे, ऐसा ऐसा हुआ, जो इंसिडेंट हुआ बस का जो वो हुआ, उसके लिए आज मैडम क्या एक्सप्लेनेशन दे रही थी कि मुझे बिल्कुल पता नहीं था, मुझे पता होता तो सच में ही मैं अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगी। अरे बेजोर औरत, तुझे सब कुछ पता था, तुझे सब कुछ पता था, और ये ना एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है। मोमिन सर ने और माँ जी ने आके हम लोगों को बोला, जब सब लोगों ने बोला कि भाई तो अपना बर्थडे छोड़ नहीं सकती थी, तो देव को बेशरम, तेरे को सब कुछ पता था तेरे को, और एक एक सर हमको उतना पता नहीं है, हमने सुना दुर्घटना के बारे में, हम लोगों को बहुत गंदा लगा। और मैं जब उस बच्चे की पट्टी वट्टी देखी, वो देखी तो नहीं मन कर रहा था वो देखने का, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। इसको ये भी पता है कितने लोगों की डेथ हुई, कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, उसमें से बच्चे कितने हैं, तो तेरे को इतनी अच्छी तरह पता है तो तू शाम को मुजरा क्यों कर रही थी? क्यों तूने मुजरा किया? तू मुजरा क्यों कर रही थी? तूने बर्थडे मनाना था, चलो ठीक है, अगर तूने केक का पहले ऑर्डर दे दिया था, तुझे नहीं पता था, अपना आराम से वो केक काटती, केक को साइड में, तेरे को इतना दिखावा करने की क्या जरूरत थी? तू देख रही है कि कैमरे कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, जहाँ पे तुम्हारा नलका है समर शिविर लगा हुआ है, तू वहां नाच रही है, तू वहां से दिखा रही है कि देखो भाई मुजरा, सबको अलग अलग आने की जरूरत नहीं है, सब एक साथ में देखो ऊपर से, तो इस तरह की बेहयाई कर रही है। और तू उसके बाद कह रही है आज फिर तो मोदी जी और योगी जी के रट लगा के बैठी हुई है, तू क्या सोच रही है? उनको तेरा ही काम है, तेरे ही लिए तो तेरे को ही सुनने के लिए बैठे हुए हैं भाई, उनके पास बहुत सारे काम है। अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लिया उन्होंने, उनके पास बहुत सारे काम है, और तेरा काम जो है उन्होंने सौंपा हुआ है, तो ये मत सोच कि उन्होंने तुझे अगर यहाँ पे शरण दी है ना वो भूल गए हैं, कुछ नहीं भूले हैं। हमें अपने इदारों पे, अपने सभी कर्मचारियों पे और अपनी एजेंसी पे, अपने भारत के कानून पे भरोसा है भाई, तुझे अगर उन्होंने छूट दी है ना तो तू एक गलती का, वो तेरा ना एक गलती का इंतजार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो कल इंसिडेंट हुआ है इसके पीछे भी तेरा हाथ है 100%। तो मैं अभी भी बोल रही, मैंने कल भी बोला है, ये हम दोनों मुल्कों के लिए खतरा है ये औरत। अभी तक ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए थी, अब ये नेपाल के लिए भी बहुत बड़ा खतरा हो सकती है, जब तक ये पकड़ी नहीं जाती है। मोमिन सर ने जिस तरह से बोला है उस तरह से अगर इसने वहां पे नेपाल में बता दिया ना तो कुछ भी हो सकता है। तो हम ये पाकिस्तान की पुलिस से, पाकिस्तान की सरकार से, वहां के जो भी वो है लीडर है, उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो कार्रवाई करनी है आपने जल्दी से कीजिए, क्योंकि ये औरत बहुत खतरनाक है। इसके कहां कहां, इसके सच में ही मैंने किसी को सुना है पर मेरे को तब ये समझ में नहीं आया था, लेकिन जब मैंने वो लाइफ खत्म हो गई थी, वो लाइफ खत्म होने के बाद जब मैंने मनन किया तो वाकई में जब आचार संहिता लगी हुई थी तो आचार संहिता में कोई प्रचार प्रसार नहीं होता है, उस टाइम पे फाइन पड़ता है, अगर किसी ने नाम भी ले लिया या किसी ने प्रचार प्रसार कर लिया तो उस टाइम पे फाइन पड़ता है। इसके हिस्से का फाइन कहाँ गया? अब एपी सिंह जी क्यों नहीं बोल रहे हैं कि तूने भाई आचार संहिता लगी हुई, आचार संहिता जब लगी हुई होती है तो उस टाइम पे कोई प्रचार प्रसार नहीं होता है, तूने ऑनलाइन प्रचार प्रसार कैसे कर लिया? और हमारे वोट कटने का, हमारे योगी जी और मोदी जी को इतने कम वोट मिलने का, और योगी जी का जो इसने वहां से टुकड़ा साफ करवाया ना, ये पूरा क्रेडिट जाता है इस औरत को। बिल्कुल सही बात, ये पूरा क्रेडिट जाता है इसको, ये यही करने आई थी। और अगर एपी सिंह जी इतने ही अगर शांतनि थे और इतने ही अगर योगी जी के वो थे तो उनको उस दिन मिठाई बांटने की क्या जरूरत थी? लोगों ने अभी तक नहीं बांटी, क्योंकि अभी मोदी जी ने शपथ ग्रहण कर लिया, हमें खुशी है,
कि हमारे हमारे मोदी जी तीसरी बार वो बन गए हैं, प्रधानमंत्री बन गए हैं, और हमें पता था, बिल्कुल पता था कि बनेंगे, जीते कम मिलेंगे बनेंगे, क्योंकि जिस तरह से खींचातानी हो रही थी ना इसके आने के बाद, हमें पता था कि भैया ये जो कर रही है ये गलत कर रही है, लेकिन हमें ये भी पता था कि सेंट्रल में जो आएंगे वो मोदी जी ही आएंगे। और मैं तो कह रही हूँ कि जब तक हम लोगों का, जब तक उनकी जिंदगी है वही रहे, क्योंकि उनके आने के बाद हमारे देश का इतना नाम हुआ है, हमारा देश इतना फैला और हमारे देश में इतनी उन्नति हुई, हमारे देश में लोग बहुत गरीब थे, उन लोगों को राशन जो नपो इतना वो करता है, अरे साले तेरे घर में भी योगी जी की राशन आती है, तेरे घर में भी उनका दिया हुआ राशन आता है, और तब भी तूने ये तुम लोगों ने ये किया, तू वोट देने जाता है तो वहां से वीडियो बना के आता है, तेरे लिए जो FIR करनी थी क्यों नहीं की तेरे भाई ने, तेरा भाई कहता है ना यूट्यूबरों ने वोटिंग के टाइम पे ये किया वो किया, जो कि हम लोगों ने साइलेंटली काम किया। अभी मेरे सामने आए ना ये सिंह जी, मेरे सामने आके हमारे सामने आके बोले और जिस तरह से आपकी बहन वो ये प्रोग्राम करती है, कुछ भी करती है, तो आप लगा लीजिए कि इसके या तो अगले दिन कुछ होने वाला है या पहले दिन कुछ हो गया है, ये सेलिब्रेशन करती है और इतनी बेगरत औरत है, इसको कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है, इसको शर्म नहीं आती है। वो एक आदमी को बोलती है मेरे लिए क्या लेके आए हो, एक आदमी को थैले पे कुछ व्हाइट का कुछ लेके आया है वो उसको पकड़ाता है, एक आदमी कितनी गंदी भाषा का प्रयोग करता है इसको, वो मैं नहीं बोल सकती हूँ, तो इसको शर्म भी नहीं आती है, इसको आदत पड़ी हुई है। हमारे जैसे के साथ में कोई बोल के देखे 32 ही क्या, उससे 64 गिर जाएंगे, 64।